सलमान खान के साथ काम कर चुके अभिनेता मोहित बघेल का निधन, सितारों ने दी श्रद्धांजलि। मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन मोहित बघेल का निधन हो गया है। वो महज 27 साल के थे। मोहित बघेल लंबे समय से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहे थे। मोहित बघेल के निधन की जानकारी आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल के निर्देशक राज सांडिल्य ने सोशल मीडिया के जरिए दी। वह उनके निधन से बॉलीवुड में शोक का माहौल है। हर कोई मोहित बघेल को सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहा है। बता दें कि कम किरदार करने के बाद भी मोहित ने सभी के दिलों में जगह बना ली थी। सलमान खान और आसिन के साथ मोहित फिल्म रेडी में नजर आ चुके हैं। फिल्म में मोहित ने छोटे अमर चौधरी का किरदार निभाया था। वहीं साल 2019 में मोहित परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म जबरिया जोड़ी में नजर आए थे। मोहित बघेल का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा में 7 जून साल 1993 में हुआ था। उन्होंने अपने अपने की शुरुआत बतौर बाल कलाकार की थी। उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर अपने करियर की शुरुआत छोटे मियां शो से की थी। इस शो में उनकी कॉमेडी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। लेकिन मोहित बघेल का संघर्ष लगातार जारी रहा। इसके बाद उन्हें असली पहचान सलमान खान के साथ फिल्म रेडी में मिली। मोहित बघेल के निधन पर राज सांडिल्य ने अपने ट्वीट में उनकी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, मोहित मेरे भाई, जल्दी क्या थी जाने की। मैंने तुमसे कहा था कि देख लेना, तेरे लिए सारी इंडस्ट्री रुक गई है, जल्दी से ठीक होके आ जा, उसके बाद से सब काम शुरू करेंगे। तू बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है, इसलिए अगली फिल्म के सेट पर तेरा इंतजार करूंगा और तुझे आना ही पड़ेगा। ओम साई राम। राज के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने भी मोहित बघेल के निधन पर शोक जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, वो काम करने वाले सबसे अच्छे लोगों में से एक थे, हमेशा खुश, सकारात्मक और प्रेरित करने वालों में से एक थे। इसके अलावा मोहित के फैंस ने भी उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी है।